दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 27 अक्टूबर 2022 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ साल 2022 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी आईसीसी मैच T20 वर्ल्ड कप 2022 में आज भारत और नीदरलैंड के बीच होने वाले महामुकाबले की शुरुआत से पहले आप सभी भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बीसीसीआई ऑफिशियल्स की तरफ से दो तीन बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आई हैं। वहीं दूसरी तरफ टाटा आईपीएल 2023 की होस्टिंग और स्टार्टिंग डेट के रिगार्डिंग हमें बीसीसीआई की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिला है और उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों को वन बाई वन पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग T20 वर्ल्ड कप 2022 से जुड़ा हर एक अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट इंडिया को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है साल 2022 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी आईसीसी मैच T20 वर्ल्ड कप 2022 को लेकर, जहां पर फिलहाल यह टूर्नामेंट काफी शानदार मोड पर आ चुका है। सुपर 12 के महामुकाबले फिलहाल खेले जा रहे हैं और सुपर 12 में आज का महामुकाबला में भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:30 बजे से भारत और नीदरलैंड के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में देखने को मिलने वाला है। मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार होगा। लेकिन दोस्तों इस महामुकाबले की शुरुआत से पहले आप सभी भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए तीन चार बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हमें बीसीसीआई की तरफ से देखने को मिली है। चलिए बात कर लेते हैं सभी अपडेट्स की। तो फर्स्ट अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है सिडनी के ग्राउंड को लेकर, जहां पर भाई आप सभी को मैंने बताया कि T20 वर्ल्ड कप के सेकंड महामुकाबले में पार्टिसिपेट करने के लिए भारतीय टीम सिडनी जा चुकी है। लेकिन सिडनी में जाकर टीम इंडिया को लगातार यहां पर बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और भाई यहां पर बीसीसीआई और भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह की T20 वर्ल्ड कप की तैयारी उनसे काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है। सबसे पहले यहां पर बीसीसीआई और भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने बीसीसीआई को मतलब ऐसा बोला कि यहां पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनको जो खाना मिला था, उनको जो डिनर मिला था, वो काफी खराब क्वालिटी का मिला था। उसके बाद भी उनको ऐसा पता चला कि उनका जो ट्रेनिंग सेंटर होने वाला है, जहां पर भी उनके प्रैक्टिस सेशन होने वाले, उनके होटल से लगभग 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था, जिसके चलते भाई सभी खिलाड़ियों ने अपने ट्रेनिंग सेशन को भी यहां पर मिस कर दिया और वहां की जो सर्विसेज है उससे यहां पर बीसीसीआई और भारतीय टीम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नजर नहीं आ रही है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड को लेकर यहां पर एक स्पेशल रिपोर्ट बीसीसीआई ने आईसीसी के पास भी भेजी। खैर दोस्तों इसके रिगार्डिंग हमें कोई भी फर्दर अपडेट देखने को मिलता है तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अपडेट निकल कर आ रहा है इस महामुकाबले के लिए वेदर फोरकास्टिंग डिटेल्स को लेकर। जी हां, लेटेस्ट वेदर फोरकास्टिंग डिटेल्स यहां पर आ चुकी है, मौसम विभाग ने शेयर कर दिया, जहां पर आप सभी लोग पूरी की पूरी जो आपकी डिटेल्स है उनको स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां पर भाई कहीं ना कहीं दोनों ही टीमों के फैंस के लिए थोड़ी सी बुरी खबर यहां पर जरूर है। जी हां, 80% रेन के चांसेस आज यहां पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में बताए जा रहे हैं। बारिश के बादल वहां पर सुबह से ही अभी मंडराते हुए नजर आ रहे हैं और भाई कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा सा इंटरप्शन हमें यहां पर बारिश की वजह से इस महामुकाबले में देखने को मिल सकता है। आपको पता है कि भाई T20 वर्ल्ड कप के ऑलरेडी काफी सारे महामुकाबले बारिश में धुल चुके हैं। टीम इंडिया के इस महामुकाबले पर भी बारिश के बादलों का जो संकट है वो मंडरा रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पर आपकी जो वेदर फोरकास्टिंग डिटेल्स है उनमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि भारतीय समय अनुसार एवरेज लगभग 2 बजे के आसपास वहां का मौसम खुल सकता है, जिसके बाद हमें कुछ ओवर्स का मैच यहां पर जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों सिचुएशन के रिगार्डिंग जैसे ही कोई फर्दर अपडेट देखने को मिलता है तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अपडेट निकल कर आ रहा है हार्दिक पांड्या और भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को लेकर। कल अपडेट आया था कि भाई हार्दिक पांड्या एक ट्रेन का मतलब शिकार हो गए, जिसके चलते भाई उनका अपकमिंग मैच में सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन दोस्तों कल यहां पर देर रात को बीसीसीआई ने अपनी फाइनल स्टेटमेंट और अपनी हार्दिक पांड्या की यहां पर जो लेटेस्ट इंजरी रिपोर्ट उसको जारी कर दिया, जहां पर भाई उन्होंने ऐसा बोला था कि हार्दिक पांड्या बिल्कुल नॉर्मल सी, बिल्कुल सिंपल सी इंजरी का वो शिकार हुए थे। अपनी इंजरी से पूरी तरह से टोटली वो रिकवर हो चुके हैं और बचे हुए सभी महामुकाबलों में प्लेइंग 11 में सिलेक्शन के लिए वो डेफिनेटली अवेलेबल रहने वाले हैं। इस महामुकाबले में प्लेइंग 11 में हमें दो तीन बड़े बड़े चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं, जहां पर भाई आपके यहां पर ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में मौका मिल
भेजे ताकि युजवेंद्र चहल को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। खैर दोस्तों, इस महामुकाबले के लिए आपकी फेवरेट प्लेइंग 11 क्या होगी आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है क्रिकेट का महासंग्राम यानी टाटा आईपीएल 2023 को लेकर, जहां पर बीसीसीआई और आईपीएल 2023 में पार्टिसिपेट करने वाली सभी फ्रेंचाइजियां फिलहाल पूरी तरह से जोरों शोरों से आईपीएल 2023 की नीलामी की तैयारी में जुटी है। जहां पर भाई हमें 16 दिसंबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से बेंगलुरु में आईपीएल 2023 की नीलामी देखने को मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच बहुत ही बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, जहां पर भाई एक खबर हमें कल देखने को मिलेगी भाई आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन समय टर्की में देखने को मिल सकते हैं। क्या रीजन यहां पर बिल्कुल भी बताया नहीं गया है, क्या यहां पर बीसीसीआई कुछ नया प्लान कर रहा है कि आईपीएल को किसी अनदर कंट्री में शिफ्ट किया जाए, कोई प्लानिंग खैर हमें अभी तक देखने को नहीं मिली है। लेकिन आईपीएल के ऑक्शन को टर्की में होस्ट करना ये मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा। इस खबर के ऊपर आपके क्या ओपिनियन, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर भी आईपीएल 2023 के रिगार्डिंग है और यह खबर निकल कर आ रही है आईपीएल की स्टार्टिंग डेट को लेकर। जी हाँ, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि भाई यहां पर कल हमें बीसीसीआई की तरफ से खुद ऑफिशियली आईपीएल 2023 की स्टार्टिंग डेट के रिगार्डिंग अपडेट देखने को मिला। जहां पर भाई बीसीसीआई ने ऐसा क्लेम किया कि 3rd week of March 2023 में आईपीएल 2023 की शुरुआत हो जाएगी। टेंटेटिव डेट आ चुकी है, जी हाँ, 23 मार्च या फिर 21 मार्च इन दोनों में से किसी एक तारीख से आईपीएल 2023 की शुरुआत हो सकती है। और भाई आपको पता है कि भाई 2.5 महीने की स्पेशल विंडो आईसीसी की तरफ से बीसीसीआई को आईपीएल को होस्ट करने के लिए प्रोवाइड की गई, जिसके चलते भाई आईपीएल का यहां पर और थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंशन होना बनता है, थोड़ा सा और ज्यादा यहां पर आपको एक्सपेंड होता हुआ ये सीजन हमें नजर आने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है एशियन क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी एशिया कप 2023 को लेकर, जहां पर होस्टिंग को लेकर लगातार बड़े बड़े सवाल हमें इंटरनेट पर देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से होस्टिंग राइट छीन लिए गए, किसी न्यूट्रल वेन्यू पर हमें एशिया कप 2023 देखने को मिलेगा, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल या फिर किस वेन्यू पर होगा एशिया कप 2023। उसके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि श्रीलंका या फिर यूएई, इन दोनों में से किसी एक कंट्री में हमें एशिया कप 2023 देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है अफ्रीकन T20 लीग यानी मिनी आईपीएल 2023 को लेकर। यहां बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, स्टार्टिंग डेट का ऐलान या फिर ऑलरेडी हो चुका है, जहां पर भाई अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया था कि 10 जनवरी 2023 से इस शानदार टूर्नामेंट का आयोजन हमें साउथ अफ्रीका के 6 अलग अलग स्टेडियम्स में देखने को मिलने वाला है। सभी डिटेल्स यहां पर रिवील हो चुकी है, सभी टीमों के स्क्वाड्स भी तैयार हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक यहां पर मिनी आईपीएल 2023 का पूरा शेड्यूल ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है, और जैसे ही यहां पर आपके मिनी आईपीएल का पूरा शेड्यूल आ जाता है तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये है 27 अगस्त 2022 क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। इन सभी खबरों का आपकी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब करके टंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।